सबसे पहले तो इस मंच पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा और हमारे तमाम पुरखों को नमन करते हुए आप सबको जोहार करना चाहूंगा। आज उदयपुर लोकसभा सीट को लेके हमारा आम विशाल सभा में आप सब अलग अलग पंचायत से अपने अपने पालवी धरती से एरिया से आए हुए सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता आप सबको मेरी ओर से अपना अमूल्य समय निकाल के आए इसके लिए खूब खूब धन्यवाद जोहार। क्योंकि अभी बहुत सारे वक्ता बता रहे थे कि आज जो दिन है वह कई लाड़ी वोर पंडावन लग्न कड़ावन दड़ो है, तो कहीं न कहीं आज हमारी संख्या थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन जरूर मुझे विश्वास और भरोसा भी है क्योंकि कई कार्यकर्ताओं को मेरे पे भी फोन आया था कि एमएलए साहब हम जरूर आना चाह रहे थे लेकिन हमारे कहीं के घर में ही है, तो इस कम संख्या को देख के हमको हौसला नहीं तोड़ना है। मैं आपको एक ही संदेश देना चाहूंगा, आज 70-75 साल हो गए हम लोगों ने कहीं वोट दिए, सभी लोगों को वोट दिए, दोनों पार्टियों के बारी बारी से वोट दिए, हमारे पुरखों ने सभी ने दिए थे, लेकिन जो उम्मीद थी हमसे उनसे जो उम्मीद थी हमें वो उम्मीद पे नहीं खरा उतरे, इस कारण से हम नया पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी हम लोगों को। अभी हमारे गुजरात से आए हुए वरिष्ठ राजू भाई बता रहे थे कि 2018 के अंदर मात्र कम वोटों से अपन रह गए थे और उस समय राजकुमार जी रोड जो मेरे ही साथी विधायक 2018 के अंदर जीत के चले गए और उन्होंने विधानसभा जयपुर के अंदर जाके तो आवाज उठाई लेकिन साथ में अपने समाज की आवाज भी उठाई और साथ में 84 की जनता को अपने आसपुर विधानसभा से ज्यादा 10 साल आगे ले गए। वो इसलिए लगे वो 5 साल पहले अपनों से जीत के चले गए। इसके बाद हम लोगों ने बहुत दुख झेला, हम लोगों ने सबने संघर्ष करा, आसपुर विधानसभा से एक छोटे से बच्चे से लगा के बुजुर्ग और माता बहन ने सबने संघर्ष करा और हर घर में हर गांव के अंदर मेहनत करी हम लोगों ने और ऐसा धमाका मचाया 2023 के अंदर जो 70 सालों से कोई विधायक वोटों से नहीं जीता, इतना 30,000 वोटों से जीता के हासिल आपने करा दी। और मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आपने 30,000 वोटों से मुझे जीता के भेजा है, इसी उम्मीदों पे मैं आपके खरा उतरूंगा और काम भी करूंगा। लेकिन कई सारा बसा कई भी खरा अटे पर एक भी महीना पर हम विधायक बन के गए और 3 महीने का कार्यकाल मिला हमें और आचार संहिता लगी और घड़ा खरा अपने पर गांवों में केवल लगी गया उगना जो ओंदरा है या ओंदरा कहिया जी कांग्रेस ने बीजेपी वाला है या वह कहे कि तुम्हारे एमएलए हो करी ना चूम कही अब अपने टंकी में पानी अभी नहीं अब तो है कड़क तरह वो पंप टूट जाता तो भी कहता है हुजूर विधायक साहब पानी क्यों नहीं मोकलता है। आज बीजेपी के नेता कई सारे बोलते हैं कि तुम्हारे एमएलए ने क्या कर दिया, मैं उन बीजेपी के नेताओं से कहना चाह रहा हूं तुम्हारे यहाँ की राजस्थान में सरकार बनी है और केंद्र में भी तुम्हारी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान के अंदर 200 एमएलए है, 200 एमएलए में 1 रुपया का बजट अभी तक नहीं दिया है, वो बात क्यों नहीं करते तुम, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज तक बीजेपी ने अभी तक किसी विधायक को 1 रुपया नहीं दिया है, वो बात नहीं करेंगे। इसलिए आप लोगों को गुमराह होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बजट आएगा, आज ये आचार संहिता लगने के हो जाने के बाद चुनाव हो जाने के बाद भी आएगा और हर एरिया के अंदर अपना बाप दादा रीति रिवाज है, गांव में कोई भी बागी आवे
हाथ तो वाटी वाटी खाओ खा के नहीं क्यों, वो परंपरा है। तो विधानसभा के अंदर मेरा जो भी बजट होगा वो 96 ग्राम पंचायत है और 450 से 500 गांव है, हर गांव को हर पंचायत को थोड़ा थोड़ा बांट के दूंगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। उन लोगों ने 10 साल से राज करा बीजेपी ने, इससे पहले कांग्रेस ने करा, उन्होंने सिर्फ 10 पंचायत 20 पंचायतों के अंदर विकास करा, 96 ग्राम पंचायत में 10 पंचायत 15 पंचायत के अंदर विकास करा और 70 पंचायतों के अंदर सामने तक नहीं देखा था। वो काम हम नहीं करेंगे, हम हर एरिया के अंदर काम करेंगे, हर पंचायत के अंदर देखेंगे। केंद्र सरकार राज्य सरकार की कोई भी सरकार है, इस योजना को धरातल पे ग्राउंड लेवल पे ले जाने का काम करेंगे, लोगों को सही तरह से अपनी योजनाओं के बारे में सही जानकारी दिला के उन लोगों को हक दिलाने का काम करेंगे। हमारे इस एरिया के अंदर जो हमारा हक अधिकार है, जो 5वीं अनुसूची है, जो 244 वन के तहत जो हमारे अधिकार है उसको दिलाने का काम करेंगे हम लोग। हमारे आज तक इस जल जंगल जमीन की पैरवी नहीं हुई, वो पैरवी हम विधानसभा के अंदर जाके करेंगे। आज विधानसभा के अंदर सबसे पहले मैं यहां पे जीत के गया तो वहां पे मात्र 15 दिन का मौका मिला था हमको, और 15 दिन में से जयपुर के अंदर हमें सिर्फ 5 मिनट बोलने का मौका मिला, और 5 मिनट के अंदर भी मैंने अपने जो लोगों के मूलभूत आवश्यकता है उस पे मैंने आवाज उठाई। वो आवाज मैंने इसलिए उठाई कि वहां पे सरकार में बोलने से हमारे लोगों का फायदा हो सकता है। अपने इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा पानी की समस्या है, तो मैंने वहां पे सोम कमलाबा से नहरें निकलने वाली और पीने के लिए आवाज उठाई। अपने इस एरिया के अंदर सबसे बड़ी समस्या आ रही है अभी गेहूं की, जो खाद्य सुरक्षा में नाम तो है, ऑनलाइन नहीं हुआ, इस कारण से हमारे लोगों को गोही नहीं मिल रहे हैं। हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों की छात्रवृत्ति 2.5 साल से 3 साल तक छात्रवृत्ति नहीं आई थी बच्चों की, जो बीएड कर रहे थे, जो एसटीसी कर रहे थे, जो कॉलेज कर रहे थे, उन बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आई थी, ब्याज पे पैसा लाके फीस भरी थी, उनकी पैसा नहीं आया था, उसके लिए आवाज उठी, आज कई लोगों की छात्रवृत्ति आ गई। हमारे बेणेश्वर जो धाम है, जो फूल ले जाए अपने लास्ट, आज की तारीख में अन्य गड्ढो गमिति मेट कोटवाल सरपंच एमएलए मंत्री कई भी है, लेकिन लास्ट हम फूल लेन बटे बेणेश्वर जाऊ है, वहां पे हमारे लोगों के लिए कोई बैठने की, रहने की, खाने भोजन बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, उसके लिए वहां पे आवाज उठाई। और ये सब आवाज तब मैं उठा पाया जब आप आसपुर विधानसभा के जनता ने रात दिन मेहनत करके जिता के जयपुर भेजा, तब जाके ये आवाज उठा पाया मैं वहां पे। ये मेरी अकेले की आवाज नहीं है वहां पे, ये आपकी आवाज जयपुर के अंदर बोल रही है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। 70-75 साल से यहां से विधानसभा आसपुर से जीत के आ गया, वो कभी अपने विधानसभा अपने इस एरिया के आपके लिए, अपने बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, अपने पानी के लिए, बिजली के लिए कभी आवाज उठेगी, कभी उठी क्या आवाज? वो परिवर्तन हुआ है आज, इसीलिए हमारे दिल्ली भी हमारा भाई को हम भेजेंगे, प्रकाश भाई भूज उसको दिल्ली भेजेंगे, तो उस भाई को हमें पूरा भरोसा है, जिस तरह से हम आपकी बात को जयपुर तक पहुंचा रहे हैं और जयपुर में सरकार के बीच में रख के बोल रहे हैं, इसी तरह से ये भाई भी दिल्ली की सरकार के अंदर जाएगा और सरकार के बीच में रह के अपनी आवाज को उठाएगा, इस भाई पे भरोसा है। मैं तो पता बाबू जी कहता था, अब पहला खदड़ा खदड़ा वाला कहता था, ये खदड़ा वाला समझ में आप जुग नहीं आप जी, तुम्हें खदड़ा वाला हमेशा बेकार उस काम करेंगे, गदड़ी ना के एमपी के बने रहते। तो हम लोगों को ये दोनों कैंडिडेट जो है आज, भले उन्होंने एक अधिकारी है और उदयपुर के अंदर मकान ले लिया, और मकान लेने के बाद उस फोरम के अंदर और अखबार वाले बताया जाता है कि ये उदयपुर वहां पे उस कॉलोनी में ये मकान है, लेकिन उन दोनों भाइयों को
न तो हमारे यहाँ की क्या संस्कृति है, क्या हमारी परंपरा है, क्या हमारे यहाँ उन लोगों के दुख है, वो नहीं जान रहे। हमारे इस एरिया के अंदर पानी की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है, उन दोनों नेताओं को नहीं पता है। हमारे इस एरिया के अंदर किस योजना से लोग वंचित रहते हैं, उन दोनों नेताओं को नहीं पता है। हमारे इस एरिया के अंदर कैसे कैसे दुख झेल के उन बच्चों को पढ़ाते हैं बच्चे, वो उन नेताओं को नहीं पता है। इस एरिया के अंदर हमारी शिक्षा किस तरह से मिली जाती है, स्कूलों के अंदर स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, वो उन नेताओं को नहीं पता है। जो ग्राउंड लेवल पे नेता होगा उसी को पता होगा। आज आप लोगों ने देखा होगा, मैं कई स्कूलों के अंदर जाता हूं और स्कूलों में वो न्यूज़बाजी करके नहीं जाता हूं, क्योंकि पहले कई जो तो मार्शल सतर्क थे कि नहीं थे। आपके यहां पे अभी पूछपुछ के अंदर भी एक स्कूल में गया और माओ अंदर गया तो मोबाइल इंस्टाग्राम चलाता था, मार्शल थे और शोर वैसे मस्त था। हमारे डेलीगेट साहब भी थे, गौरव जी, और दो बातें सुनाई भी से। तो ऐसा सुधारा कौन कर सकता है? हम लोगों को सुधार करना पड़ेगा। और कई जगह स्कूलों के अंदर टीचर भी पढ़ाने वाले हैं तो हमारे बच्चे भी नहीं, पेरेंट्स भी नहीं भेज रहे, तो उसकी जिम्मेदारी भी हम लोगों को लेनी पड़ेगी। आज हम है आप, स्कूलों के अंदर सुधार लाने का हमारा काम है। स्कूलों के अंदर स्टाफ फुल नहीं है तो उस स्टाफ को फुल करना हमारा काम है। स्कूलों के अंदर अच्छी सुविधा करना हमारा काम है, लेकिन उस स्कूल के अंदर बच्चा भेज के उस स्कूल का जो शिक्षा का मंदिर है उसमें से अच्छी शिक्षा लेने का काम उस बच्चे का है, और बच्चे से ज्यादा उसका फर्ज बनता है, उसके माँ बाप का बनता है कि आपका बच्चा आपका पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो हम जरूर अपने इस एरिया के अंदर स्कूलों के अंदर भी सुधार लाने का काम करेंगे। हॉस्पिटल अंदर है, कई सारे हॉस्पिटलों के अंदर समस्या भी आ रही है। कई सारा ऐसे भी डॉक्टर है जो प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर दवाई करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल के अंदर दवाई करने के लिए तैयार नहीं है, जो गवर्नमेंट है उसका भी सुधारा करेंगे। मेरे को तो अभी खाली 3 महीना समय मिल गया है, अभी पूरे साल 5 साल नकली नहीं की। अभी कुछ कुछ डेमो ही देखे होंगे, जरूर मैं हर विभाग के अंदर सुधार लाने का काम करूंगा, और पूरा भरोसा रखना मेरे पे। आपका नाम मैं पहले कहता था, किसी कार्यकर्ता का नाम खराब नहीं होने दूंगा और नहीं होने दूंगा, ये आज भी कह रहा हूं, विधायक बनने के बाद भी कह रहा हूं, क्योंकि घड़ा खराब विधायक बनने बाद स्टेटमेंट बदली ना के बदले नहीं बदले, तो मैं जरूर आप पे उतरूंगा। और हमारे जो भाई है, ये भाई किसी खुद पे नहीं खड़ा हुआ, ये अपने भरोसे पे खड़ा हुआ है। इस भाई को टिकट देने वाला कोई दिल्ली का व्यक्ति नहीं था, कोई राजस्थान जयपुर से टिकट नहीं मिली है उस भाई को। इस भाई को टिकट मिली है तो इस समाज की जाजम ने टिकट दी है, और यहां पे जो टिकट मिली है वो टिकट एक विधानसभा से नहीं मिली है, वो टिकट 8 विधानसभा के कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष से लगा के ब्लॉक अध्यक्ष से लगा के आम कार्यकर्ता राष्ट्रीय लेवल का जो सदस्य था उस सभी मिलके उस जाजम ने टिकट दी है। तो आज ये जिताने का जाजम का फर्ज है कि नहीं? क्या कांग्रेस और बीजेपी का टिकट जब मिली तो आप में से किसी को पूछा गया, हाथ खड़ा करो, किसी को पूछा गया क्या? लेकिन ये भाई जो खड़ा करा है हम लोगों ने, यह हम इस समाज की जाजम ने खड़ा हुआ। एसटी एससी ओबीसी और कुछ भाई, अभी मुझे फोन भी आया था राजपूत समाज से भी, भाई अपने सदस्यता ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं और बहुत जल्द आएंगे, क्योंकि आज बीजेपी ने बहुत सारा तानाशाही कर दिए, हर समाज को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, लेकिन कई सारे भक्त ऐसे बने हुए हैं जो मोदी कुछ भी करते फिर भी मान कर ले लेते हैं। आज एक बात बताना चाहूंगा, अगर यहाँ पे अंधभक्त इतने बीजेपी के बने हुए लोग हैं जो पूरे देश लेवल पे कि मोदी यूं कह दे
कि आपने जो डूबो रे डूबो देश यू कहते इन पोटो रे, तो मोदी अगर यू कह दे कि ये देश का गोबर है या हलवा है और खा लो ये, तो भक्त खा लेंगे, हलवा समझ के खा लेंगे। इस तरह से मोदी ने अंधभक्त लोग बना रखे हैं और वो ही हो रहा है। और झूठ पे झूठ बोल रहा फिर भी हम लोग उस पे, कुछ लोग अंधभक्त हैं और अंधभक्तों की बात सुन के हम उस पे विश्वास कर लेते हैं। ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। गोबर कोई खा सकता है क्या हलवा समझ के? नहीं खा सकता है। तो वो चीज नहीं करनी है हम लोगों को। हम लोगों को असली लड़ाई को लड़ना है, इस भारत को संविधान को बचाना है, इस देश का लोकतंत्र को बचाना है और हमारे खुद के अधिकार को बचाना है, हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाना है, हमारे इस एरिया के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी सड़क की बात करने वाले नेताओं को चुनने की जरूरत है। इसलिए हमारे बीच में जो प्रकाश भाई है वो उस भाई को जिताना है। वो भाई आपकी पालवी धरती का उस खून का है ये आदमी, और पाल का नियम कानून कायदे जानेगा, गांव के परंपराओं को जानेगा, इस भाई को हम लोगों को जिताना होगा। इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि हमारे बीच में बहुत जल्द कैंडिडेट भी आएगा और आप लोगों को पूरी जिम्मेदारी से, जिस तरह से मेरे को रात दिन मेहनत करके जिताया, रात दिन एक कर दिया, इसी तरह से हमारे प्रकाश भाई के लिए एक बार फिर से रात दिन एक करना पड़ेगा। करोगे कि नहीं करोगे? हाथ खड़ा करके बता देगा करोगे कि नहीं करोगे? तो जरूर मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है क्योंकि आदिवासी एक प्रो जीवन आली दिया भाई प्रिंस हो ही नहीं। और कई लोग कहते हैं घर खरा भाषा आवेगा भी करा, आपको खरीदने के लिए भी आएंगे, पर मुझे नहीं लग रहा आप खरीदे और जाओगे क्योंकि ये आपने डेमो विधानसभा में बता दिया। ये लोग कई सारे आएंगे, कुकड़े भी देंगे, बोकड़े भी दे देंगे, पैसे भी देंगे, सब देंगे, और शायद आलेंगे भी नहीं, और आले तो जावा भी दियो करो क्योंकि ये उदाहरण में बता रहा हूं तुम्हें। वो उदाहरण इसीलिए बता रहा हूं कि जब मैं चुनाव की गणना हो रही थी और बीजेपी का एक अभी करता था, वो जस्ट मेरे पास में बैठा था क्योंकि गोपी संजीत आया नहीं क्योंकि पतो पड़ी की पहला हो सर हरिजवान हो, तो अभी करता बैठा था और वो कहे कि यार एमएलए साहब एक भी राउंड हम आगे नहीं चल पाए, ऐसा क्या करा आपने? मैंने कहा आपने क्या करा? तो वो कहे कि हमने हर बूथ पे पैसा भेजा, हर बूथ पे मीट दारू सब भेजा, तो वो गया का है? आप किसी को बोलना मत, यूं कह रहे थे मेरे को, ये गया का है? मैंने कहा वो तुम ही सोच सकते हो, पहले जैसे हमारा आदिवासी नहीं रहे जो तुम लोग कहते ऐसा कर देते थे, गुमराह हो जाते थे, ऐसा नहीं रहे। हमारे में भी दिमाग है, हम भी दो रोटी खाते हैं, हम जानवर नहीं है जो घास खा के जीवन निकालते हैं। तो आप समझदार हो नहीं हो? अट्ले आपने प्लानिंग रणनीति हम समझ आप जी नहीं आप जी? अट्ले 1000 आता है तो 2000 लेवा, 5 आता है तो पसी मांगवाना, क्योंकि वह 5 साल तक विकास करवाना है नहीं करे हो। तो इसीलिए आपका दिमाग अपना अपना दिमाग लगाना है और वोट अपनी पेटी भरनी है। इसीलिए आप सबको मैं कहना चाह रहा हूं, अपने को 93,000 वोट मिला, लेकिन इस बार 93,000 ने 93,000 से प्लस करना है, भारी बहुमत से आजपुर विधानसभा से प्रकाश भाई को वोट देके उस भाई को जिताने का काम हम लोगों को करना है। इसीलिए आप सब पे भरोसा भी है, विश्वास भी है, मेरी बात को सुना, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद सबको। जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।